नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि नया ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके लिए इसमें आपके सामने लेकर के आया हूँ ब्रांड न्यू गाड़ी। गाड़ी कौन सी है जरूर चेकआउट करेंगे, जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, ऑन रोड प्राइस क्या है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें खास है, सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक बार मैं आपको फ्रंट से इस गाड़ी का लुक चेकआउट करवा देता हूँ। जैसा कि आप फ्रंट एंड से इस गाड़ी को देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्रॉड सा आपको फील करवाती है गाड़ी। और वैसे भी फोर्स की जितनी भी गाड़ियाँ रहती है, आप मोस्ट ऑफ दी व्हीकल देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको हेवी और काफ़ी मस्कुलर फील करवाने वाली रहती है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड से इस गाड़ी की बात कर लेता हूँ। फ्रंट में आपको सेंटर में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा सा एक लोगो दिया गया हो, जिसमें कि आपको सेंटर सिटी लाइन की बैजिंग की गई हुई है। और साथ ही साथ आपको सेंटर में एक बहुत ही आई कैची सा आपको ग्रिल प्रोवाइड करवाया गया है। आपको अगर मैं हेडलैम्प असेंबली की अगर मैं बात करूं, तो हेडलैम्प असेंबली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्योर हेलोजन हेडलैम्प असेंबली आपको अवेलेबल करवाई गई है। और ऊपर के साइड में आपको साइड्स इंडिकेटर प्रोवाइड करवाए गए हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं, तो नीचे में आपको फॉग लैम्प असेंबली दोनों ही तरफ प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ नीचे में हनीक्रोम ग्रिल आपको अवेलेबल करवाई गई है। नीचे साइड की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी आपको इंजन गार्ड का ऑप्शन तो यहां पर नहीं मिला है। बाकी ओवरऑल गाड़ी फ्रंट एंड से काफ़ी अच्छी और काफ़ी मस्कुलर आपको अवेलेबल करवाई गई है। एक बार मैं साइड्स में आपको ले चलता हूं, और साइड्स में सबसे पहले हम टायर की कंडीशन को चेकआउट करेंगे। टायर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 215x75R15 यानी कि 15 इंचेस के आपको टायर अवेलेबल करवाए हैं। नॉर्मल स्टील व्हील के साथ, व्हील कवर के साथ आपको अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें सेंटर में आपको फोर्स का लोगो दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं, तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 mm का इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। साइड से मैं कोशिश करता हूँ कि साइड से आपको मैं एक बार चेकआउट करवा दूँ। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड, काफ़ी ज़्यादा लेंथ वाइज, काफ़ी ज़्यादा आपको लंबी व्हीकल आपको ये प्रोवाइड करवाई गई है। और हमारे आपको बोलचाल की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि 10 से 15 आदमी तो आराम से, 15 लोग तो इसके अंदर बैठ जाते हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे कि इस गाड़ी में कितने लोगों की सीटिंग कैपेसिटी आपको अवेलेबल करवाई गई है। साइड से मैं आपको एक आपको ब्रॉड एंगल से आपको इस गाड़ी को चेकआउट करवा दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं अब साइड्स में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, साइड में आपको साइड इंडिकेटर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। FM 2.6 CR की बैजिंग यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। ORBM की बात करूँ, तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको ORBM अवेलेबल करवाया गया है, और काफी बड़ा सा आपको ORBM दिया गया है इस गाड़ी में। नीचे की साइड अगर हम ये हैंडल की अगर बात करो, तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है। और जो आपकी बॉडी कलर नहीं है, ये आपको सिंपल ब्लैक कलर में आपको ये ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाए गए हैं। और काफी ज्यादा मजबूत, काफी ज्यादा हेवी ड्यूटी आपको ये देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस, एक बार मैं इंटीरियर से जरूर आपको चेकआउट करवाऊंगा गाड़ी को। को ड्राइवर साइड से मैं इंटीरियर ओपन करके आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। को ड्राइवर साइड में आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, काफी सिंपल सा, काफी सोबर सा आपको डोर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको एक मैनुअल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पावर विंडो का ऑप्शन ही है इस गाड़ी में, हम भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक काफी हेवी सा आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पर आप छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हो, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करवाई गई है। और बिल्कुल एकदम कन्वेंशनल टाइप की इसमें आपको सारे सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई गई है। अंदर से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो काफी जैसे कि 160 mm आपको मैंने बताया कि आपको इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, और उसके साथ यहाँ पर आपको फुट रेस्ट अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ से आप आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं, और काफी चीजें आपको देखने को लिए मिल जाती है गाड़ी में। तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, सीट की कुशनिंग काफी अच्छी, काफी ब्रॉड, काफी अच्छा आपको सीट अवेलेबल करवाए गए हैं। कंपनी फिटेड इसमें ही आपको जो सीट कवर है वो अवेलेबल करवाए गए हैं। अब यहाँ पर एसी वेंट्स की बात करते हैं, तो सर्कुलर टाइप में आपको एसी वेंट अवेलेबल करवाए गए हैं, जो कि काफी अच्छा और काफी कन्वेंशनल सा आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको साइड में आपको फोर्स की बैजिंग दी गई हुई है, और ग्लोव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, जिसमें कि आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। हालांकि ये ग्लोव बॉक्स कूल्ड नहीं है, बट स्पेसियस काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ ऊपर में जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपना फोन या फिर कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम आपको अभी तो अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं, लेकिन आप चाहे तो आफ्टर मार्केट या कंपनी से ही इसमें कोई भी म्यूजिक सिस्टम अपने मनपसंद का इंस्टॉल करवा सकते हैं।
तो चलिए गाइस, को ड्राइवर साइड से मैंने आपको चेकआउट करवा दिया है गाड़ी को, एक बार ब्रॉड एंगल से आप चेक कर लीजिए और चलते हैं ड्राइवर साइड में और देखते हैं कि ड्राइवर साइड से हमको क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। जैसे कि मैं को ड्राइवर साइड आ गया हूँ गाइज, और आपको देख सकते हैं सेम आपको ब्लैक कलर में आपको जो ग्रैब हैंडल वो अवेलेबल करवाए गए हैं, और यहाँ पर लॉक अनलॉक के लिए की का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब ड्राइवर साइड ओपन करके मैं आपको यहाँ पर जो कंडीशन चेकआउट करवा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाया गया है, और यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर छोटा मोटा कुछ भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं दिए हैं गाइज, लेकिन अभी हम अंदर जाकर के देखेंगे पावर विंडोज के कंट्रोल्स कहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पर भी आपको इधर साइड भी फुट रेस्ट अवेलेबल करवाया गया है, जिससे आप आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। जैसे कि गाइज मैं गाड़ी के अंदर एंटर कर चुका हूँ और मेरे हाथ में कीज है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फोर्स मोटर ने आपको यहाँ पर तीन कीज अवेलेबल करवाई है, और तीनों में कोई भी सेंटर लॉकिंग या फिर कोई रिमोट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, आपको नॉर्मल कीज आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो एक बार मैं आपको की इंसर्ट करके दिखा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी में हमको क्या क्या चीजें ऑप्शन दी गई। तो गाइस जैसे कि मैं की ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड की। तो स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल्स आपको जैसे कि देखने के लिए नहीं मिलता है, बस आपको सेंटर में बड़ा सा एक फोर्स का लोगो दिखता है, और यहाँ पर ही आपको एक काफी कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको अवेलेबल नहीं करवाई गई है, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर और सोबर आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई है। अब अगर मैं सेंटर कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक तरफ आपको आपको जैसे कि आरपीएम मीटर दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, और सेंटर में आपको छोटा सा एमआईडी दिख रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइम, फ्यूल, लोअर फुल का यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पर बता रहा है, कितनी किलोमीटर ड्रिवन हो गई, वो सारी चीजें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गाड़ी में अवेलेबल करवाया गया है। अगर मैं सेंट्रल कंसोल की जैसे कि मैंने आपको को ड्राइवर साइड से चीजें बताई हैं, आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं करवाया गया, लेकिन आप चाहे तो आफ्टर मार्केट ये सारी चीजें इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स आपको अवेलेबल करवाया गया है, हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, और एक्स्ट्रा अगर आप कुछ लगाना चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, तो आपको यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, काफी सिंपल छोटा सा, आपको गाड़ी जिस तरह से बड़ी है लेकिन आपको जो ट्रांसमिशन अवेलेबल करवाया गया है वो आपको काफी अच्छा और काफी कूल लुक में आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेंटर की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी यूनिक स्पेसिंग इस जगह पर की गई हुई है। यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ब्रेक आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, और छोटा सा एक स्पेस का फोल्डर यहाँ पर जिसको कहते हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। तो एक बार मैं डैशबोर्ड का एक पूरा लुक आपको दिखा देता हूँ, काफी अच्छा, काफी सिंपल सोबर सा आपको इसमें सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई है। अब चलिए गाइस पीछे साइड से देखते हैं जो कि पीछे साइड की सीटिंग क्या है, क्या कैपेसिटी है, कितने लोग बैठ पाए। तो गाइस जैसे कि मैं आ चुका हूँ सिटी लाइन, फोर्थ सिटी लाइन के पीछे वाली बैक रो में, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे बैक रो काफी अच्छा, काफी कंफर्टेबल आपको दिख पा रहा होगा, मैडम आकर के बैठ करके दिखा भी रही है, और काफी अच्छा आपको हेडरूम इसमें अवेलेबल करवाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोनों ही सीट को आप फोल्ड करके पीछे आप एंटर कर सकते हैं, इजीली एंट्रेंस आपको अवेलेबल यहां पर करवाया गया है, उसके पीछे भी दो लोगों की बैठने की स्पेस है। इस सीट को आप जैसा कि अनफोल्ड करके देख सकते हैं दो ही सीट आपको यहां पर अवेलेबल करवाया गया है, उसके पीछे की सीट आपको दो अवेलेबल करवाई गई है, और साथ ही साथ तीन लोगों को भी पीछे बैठने की स्पेस अवेलेबल करवाई गई है, वो भी हम चेकआउट जरूर करेंगे। एक बार आप देख सकते हैं अच्छा खासा हेडरूम आपको इस गाड़ी में अवेलेबल करवाया गया है, साथ ही साथ पीछे के पैसेंजर के लिए आपको एसी वेंट्स भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के लिए, और पीछे के पैसेंजर को भी एंटर होने के लिए गाड़ी में यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाए गए हैं, जो कि आपकी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ड्राइवर साइड भी, ड्राइवर साइड की पीछे साइड में भी आपको जो गेट है उसके ऊपर आपको
यहाँ पर पावर विंडो के स्विचेस आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, एक ग्रैब हैंडल अवेलेबल करवाया गया है, और साथ ही साथ इस डोर पे भी आपको कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेसिंग अवेलेबल करवा दी गई है। अब पीछे साइड की मैं अगर बात करूँ, रियर साइड की कंडीशन, अगर रियर साइड अगर आपको मैं चेकआउट करवाऊँ तो एक बहुत बड़ा सा आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बड़ा सा आपको विंडो आपको अवेलेबल करवाया गया है। और पीछे साइड में भी R15 के आपको यहाँ पर टायर साइज अवेलेबल करवाया गया है, और कमानी वाला सस्पेंशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब पीछे साइड्स में आपको आ जाता हूँ, और पीछे की चीजें आपको मैं जरूर डिस्क्राइब कर दूंगा। तो एक आपको स्टेपनी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है, साथ ही साथ जो पीछे आपको देख पा रहे होंगे जो टेल लैम्प देख रहे हैं वो भी आपको हेलोजन असेंबली के साथ अवेलेबल करवाई गई है। ऊपर में कोई हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पीछे की साइड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे फोर्स की बैजिंग आपको अवेलेबल करवाई गई है, और साथ ही साथ ब्लैक कलर में आपको ये ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर भी लॉक अनलॉक करने के लिए कीज से लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पीछे के साइड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे पीछे के पैसेंजर को एंटर होने के लिए यहाँ पर एक फुटरेस्ट अवेलेबल करवाया गया है। अब हम देखते हैं पीछे क्या आपको चीजें देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे का गेट अंदर से क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको एक हैंडल अवेलेबल करवाया गया है, और साथ ही साथ तीन लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर बनाई गई है, जो कि अभी सीट अनफोल्ड कर दिया गया है। अनफोल्ड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो छोटा सा स्पेस है जिसमें कि आपका जो भी आपके टूल किट वगैरह है वो सारी चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं, छोटा सा स्पेस है। और अगर कम लोग अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये आप सीट को फोल्ड करके यहाँ पर आप काफी अच्छा स्पेस भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर चार पार्किंग सेंसर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, और जैसा कि मैं पीछे से एक बार चेकआउट करवा दे रहा हूँ, गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में, काफी आपको बल्की सा लुक आपको अवेलेबल करवाया गया है। 160mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया है वो आपको अवेलेबल करवाया गया है। लेफ्ट साइड से अगर मैं गाड़ी को चेकआउट करवाऊँ तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे फ्यूल टैंक का यहाँ पर ओपनर यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया, जिसकी कैपेसिटी 63 लीटर आपको प्योर डीजल है इस गाड़ी की कैपेसिटी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि BS6 इंजन है ये, जैसे कि आपको मैं बैजिंग भी चेकआउट करवा दे रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप BS6 की बैजिंग है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी एड ग्लू या फिर कोई जैसे कि यूरिया जिसको बोलते हैं वो चीज नहीं है, जिसके लिए हमारे काफी ज्यादा ग्रामीण भाइयों के लिए काफी अच्छी चीज हो जाएगी। क्योंकि क्या है, डीजल डलवाना तो हमको याद रहता है, लेकिन एड ग्लू यूरिया ये सब चीजें हमको याद नहीं रहती। तो उस चीज के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है ये गाड़ी कि आपको कोई भी एड ग्लू कोई भी चीजें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक बार आप साइड से लुक ले लीजिए इस गाड़ी का। अब मैं बात कर लेता हूं इस गाड़ी में, इस गाड़ी के कलर वेरिएंट पे, दो कलर वेरिएंट में आपको ये गाड़ी अवेलेबल करवाई जाएगी। जैसे कि आप ये ग्रे कलर देख पा रहे होंगे, एक आपको व्हाइट कलर में आपको ये गाड़ी अवेलेबल करवा दी जाएगी। इंजन ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो सिंगल आपको लगभग 2300cc का आपको यहाँ पर इंजन ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है प्योर डीजल में, जो कि लगभग आपको 215 Nm का टॉर्क आपको अवेलेबल करवाएगी, और 90 BHP का आपको पावर प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा इस गाड़ी में। स्पेसिंग की काफी अच्छी है गाड़ी की, माइलेज काफी अच्छा है गाड़ी का, लगभग आपको 14 से 15 KMPL का आपको कंपनी क्लेम करती है कि आपको ये गाड़ी माइलेज अवेलेबल करवा दी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी गाइस। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ इस चीज में कि आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट में आपको दो लोगों के बैठने की स्पेस दी गई है, फिर आपको मिडिल सीट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भी दो लोगों के बैठने की जगह दी गई है, उसके पीछे और दो लोग बैठ सकते हैं, और सबसे पीछे जो लास्ट रो है उसमें तीन लोगों के बैठने का ऑप्शन यहाँ आपको अवेलेबल करवा दिया गया, यानी कि टोटल यहाँ पर 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो 10 लोग भी बैठ सकते हैं, हमारे इंडिया में कोई भी इतना स्पेस का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।